नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। 2024 अभी 2 साल दूर है लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ बिखरे विपक्ष को जोड़ने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी दल शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है, पर सवाल है कि क्या कांग्रेस खुद एकजुट हो पाएगी, क्या मिशन 2024 के लिए पार्टी मजबूत हो पाएगी। करते हैं शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ। कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भारत जोड़ो अभियान चल रहा है लेकिन मकसद है 150 दिन तक जनता के बीच रहना, जनता से संवाद करना, जनता का मूड थापना। चौथे दिन राहुल की यात्रा का पहला फेज सुबह तमिलनाडु के मुल्लागुमडू से शुरू होकर कन्याकुमारी के मेमोरियल क्रिश्चियन कॉलेज में खत्म हुआ। आज ही यात्रा केरल में दाखिल होगी। राहुल केरल से सांसद हैं। अपनी पद यात्रा में राहुल यहां 19 दिन गुजारेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का और ग्राउंड पर जो चल रहा है उसके कई सियासी मायने हैं। राहुल गांधी मॉर्निंग शिफ्ट की वॉकिंग के बाद अब यहां पहुंचे मारतंडम और 12 किलोमीटर चले हैं, पर जमीन पर क्या मूड और मिजाज है वो बताता है कि सियासत क्या करवट ले रही है। आप देखिए ये पोस्टर, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पीएम भारत जोड़ो यात्रा। तो यहाँ पे शुरू हो गई है ये आवाज, ये नारा कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। भारत जोड़ो की यात्रा में कांग्रेस हर रोज करीब 23 किलोमीटर का सफर कर रही है। सवाल ये है कि ये सफर कितना कारगर होगा, इससे कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, इससे कांग्रेस का बिखराव कैसे थमेगा, इससे कांग्रेस की नेताओं की नाराजगी कैसे थमेगी। पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। राहुल की यात्रा आगे बढ़ रही है और पीछे पीछे विवाद भी चल रहा है। सवाल है लग्जरी पॉलिटिक्स पर, शाही कंटेनर से लेकर राहुल की टी शर्ट पर। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ये कैसी सियासी यात्रा है जिसमें साथ साथ 5-स्टार कंटेनर चल रहे हैं, शाही सुविधाएं। तो कांग्रेस ने कंटेनर का दरवाजा खोल बीजेपी पर पलटवार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश कंटेनर नंबर 14 में रहते हैं जहां 2 कमरे हैं। जयराम रमेश खुद यहां पे 14 नंबर कंटेनर आपका था, दो बिस्तर क्या है? ऐसे 60 कंटेनर है, करीब 230 लोग इस कंटेनर में रह रहे हैं। राहुल जी का एक कंटेनर है जहाँ एक बिस्तर है, मेरा है, 2 बिस्तर वेणुगोपाल दिग्विजय सिंह जी 2 बिस्तर है, वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। कंटेनर 4 बिस्तर का है, कंटेनर 6 बिस्तर का कंटेनर है और 12 बिस्तरों का कंटेनर, ऐसे कुल मिलाकर 60 कंटेनर है। और ये कोई मेड इन चाइना कंटेनर नहीं है, ये बॉम्बे से आता है, बॉम्बे की कोई प्राइवेट कंपनी है जिनसे हमने इसको हायर किया है। लग्जरी पॉलिटिक्स के निशाने पर सीधे राहुल गांधी भी आए। बीजेपी ने राहुल की टी शर्ट की कीमत 41,000 बताकर चुटकी ली। कांग्रेस ने 10 लाख के सूट से जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा आज वो पार्टी निकाल रही है जो खुद अंदर से बिखर रही है, अंदर से टूट रही है। वो पार्टी बात कर रही है जिसने भारत को हमेशा तोड़ने की बात करी, समाज को बांटने की बात करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी। नरेंद्र मोदी का जो कोट था, नमो 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 नमो, जिसके नीलामी हुई 4 करोड़ के लिए, ब्रांडेड चश्मे देखे हैं हमारे प्रधानमंत्री। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में घबराहट आ गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने राहुल का वीडियो जारी कर मुखौल उड़ाया तो जुबानी जंग तेज हो गई। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये दरअसल परिवार जोड़ो यात्रा है। ये राहुल को पद से जोड़ो यात्रा है, ये रॉबर्ट को पार्टी से जोड़ो यात्रा है और ये भ्रष्टाचारियों को देश भर में जोड़ने की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी की यात्रा से इतना डरी सहमी क्यों है, क्यों उसको बुरे बुरे ख्याल आते हैं? मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा को जो प्रबल जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात का ऐलान है कि भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई।
यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है, सफर लंबा है, मसले कई हैं, दिक्कत अपार है। अभी तो सवाल नेतृत्व का ही है, अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, राहुल को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ते तो क्या 24 साल बाद कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के शख्स के हाथ में होगी? 2024 अभी दूर है, लेकिन जंग की तैयारी में सभी जुट गए। कांग्रेस भी रास्ता तलाश रही है, सेना बना रही है, हथियार जुटा रही है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, कन्याकुमारी, आज तक।